अब तक जो है हम लोगों ने सीख लिया कि वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है, चाहे वो ज़ैम्प हो या होस्टिंग हो। तो आज जो है हम लोग अपने स्टूडियो ट्यूटोरियल के अंदर एक्सप्लोर करने वाले हैं वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। सो सलाम है एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद रऊफ एंड यू आर वॉचिंग प्रोफिटेक। तो गाइस चलें जल्दी चलते हैं मैं लैपटॉप स्क्रीन पर, और मैं जो है आप लोगों को वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसके बारे में आज तमाम चीज़ें इन डिटेल बताता हूँ। एंड वन मोर थिंग, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाजमी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन लाजमी से प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो उसे लाजमी लाइक करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी फीडबैक लाजमी छोड़ कर जानी है। ओके सर एवरीवन, इस वक्त जो है हम लोग आ चुके हैं मैं लैपटॉप स्क्रीन पर, और मैंने जो है यहाँ पर limitlessaims.com जो मेरी डोमेन नेम है उस पर जो है मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है। तो अब जाते हैं हम लोग इसके डैशबोर्ड में, उसके लिए जो है हम लोग आगे /wp- या wp-admin लिख कर एंटर प्रेस कर देंगे। एंड देन इस जगह पर हम लोगों ने अपना यूज़र नेम ऐड करना है और नीचे जो है हम लोगों ने अपना पासवर्ड ऐड करना है, ठीक है ना, जो हम लोगों ने वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हुए रखा था। तो मैं जो है लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आप लोगों ने जो है ज़ैम्प पर वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर रखा है तो आप लोगों ने क्या करना है, इस जगह पर लिखना है localhost/, ठीक है, उसके आगे आप लोगों का जो वर्डप्रेस के फोल्डर का नेम है, ठीक है ना, फोल्डर नेम, जो भी आप लोगों के फोल्डर का नेम है वट एवर, ये तो जस्ट मैंने आप लोगों को बताने के लिए लिखा है। देन इसके आगे स्लैश डालकर आप लोगों ने wp-admin लिखना है। ओके, देन एंटर प्रेस करना है और आप लोग का लॉगिन करने के बाद इस तरह से अपने वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में आ जाएंगे। तो ये जो है बेसिकली हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड होता है। इसी जगह से जो है हम लोग तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, लाइक है जिस तरह गाड़ी का एक डैशबोर्ड होता है, ठीक है ना, कार हो गई, बस हो गई, ट्राला हो गया, वट एवर जो भी है, जितनी बड़ी गाड़ीज हैं उनका सभी का जो है ना डैशबोर्ड होता है, जिस जगह से जो उनका स्टेयरिंग, ब्रेक, गेट सब कुछ जो कंट्रोल हो रहा होता है। उसी तरह से हमारे वर्डप्रेस का, हमारी वेबसाइट का एक डैशबोर्ड होता है जिस जगह से हम लोग तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो ये हमारी साइड बार होती है हमारे डैशबोर्ड के अंदर, जिसके अंदर जो है ये डैशबोर्ड का एक ऑप्शन है। देन पोस्ट है, मीडिया, पेजेस, ये तमाम चीज़ें मैं आगे चल कर आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसमें पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट, wp फॉर्म, ये प्लगइन इंस्टॉल है, ठीक है, उसका आ रहा है। उसके अलावा पेरेंट्स, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स, और ये भी प्लगइन इंस्टॉल होने की वजह से आ रहा है, ठीक है ना, सेटिंग्स वगैरह, ये कुछ प्लगइन्स हैं जब हम वर्डप्रेस जो है डिफरेंट होस्टिंग पर इंस्टॉल करते हैं तो कुछ बाय डिफॉल्ट प्लगइन भी इंस्टॉल हो जाते हैं, अगर हमें ज़रूरत हो तो हम लोग उन्हें रख लेते हैं, अदरवाइज डिलीट कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारी साइड बार हो गई। उसके बाद ये हमारा डैशबोर्ड का ऑप्शन आ गया। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, लाइक एज वेलकम डैशबोर्ड हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर जो है वेलकम का आ गया। उसके अलावा कुछ यहाँ पर जो है ऑप्शन आप लोगों को और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। उसके बाद जो प्लगइन वगैरह आप लोग इंस्टॉल करेंगे, पेज बिल्डर्स या कोई फार्म का प्लगइन, ये उनका यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा। ये क्विक ड्राफ्ट का ऑप्शन है, अगर आप लोग किसी तरह का कोई कंटेंट या पोस्ट को अपने पास एज ए ड्राफ्ट सेव करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर यूजेस, देन यू कैन यूज़ दैट ऑप्शन। उसके बाद जो है थोड़ा नीचे आते हैं, साइट हेल्थ, ठीक है ना, अभी जो है वर्डप्रेस हम लोगों ने नया इंस्टॉल किया तो यहाँ पर साइट हेल्थ तो कुछ भी नहीं आ रहा। बाद में जो हमारे पास इस जगह पर हमें हमारी वर्डप्रेस की साइट की जो हेल्थ है उसका भी पता चलेगा, ठीक है ना, अगर उसमें कोई एरर्स वगैरह होंगे वो भी हमें रिकमेंडेशन वर्डप्रेस देगा कि इन चीज़ों को ठीक करें। उसके बाद इस जगह पर वर्डप्रेस के इवेंट्स आ गए हैं, ठीक है कुछ, तो आप लोग इन्हें भी आर्टिकल्स वगैरह हैं डिफरेंट, अगर आप लोग इन्हें पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर दें। तो उसके बाद एट अ ग्लांस का ऑप्शन आ गया, इसके अंदर तो हमें पता चलता है कि हमारी वेबसाइट में कितनी पोस्ट लगी हुई हैं, पेजेस कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, वर्डप्रेस का जो वर्जन है वो कौन सा है, और हमारी थीम कौन सी इस वक्त एक्टिवेट है। हमारे पास 2023 थीम यानी कि एक्टिवेट है। ये चीज़ें जो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं थीम्स के बारे में, ठीक है ना। देन उसके बाद कुछ और एक्टिविटीज़ यहाँ पर आ गई हैं। सो नाउ अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोग चाहें कि यार मैं जैसे बिल्कुल सिंपल करूँगी, इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन है यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शन, जिसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है और ये तमाम ऑप्शन यहाँ पर आ गए हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये जो वेलकम वाला ये ऑप्शन है ना, ये यहाँ से ख़त्म हो जाए, सिंपली मैं क्या करूँगा, ये जस्ट मैंने अनचेक किया है और ये देखिए ऑप्शन रिमूव हो गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ ये डब्ल्यू पी फॉर्म नहीं चाहिए, रिमूव कर दो, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरे का सारे ऑप्शन है, वर्डप्रेस इवेंट चाहिए नहीं चाहिए, ये आप लोगों पर डिपेंड है, ठीक है। एक बार क्लिक किया, ये चेक मार किया, वर्डप्रेस इवेंट्स आ गए, ठीक है। अगेन मैं इसे अनचेक करता हूँ, रिमूव हो गए। सो ये हो गया। उसके अलावा ये तमाम चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप हैं, अगर आप लोग इनकी पोजीशन को चेंज करना चाहें, लाइक है जिससे मुझे टॉप पे, ये जो है ऑप्शन मुझे टॉप पे चाहिए था, ये इस तरफ चाहिए, ठीक हो गया ना, ये ऑप्शन मैंने इस तरफ ला कर रखना है,
ये सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप है, आप लोग अपनी मर्जी से इसे जो है चेंज कर सकते हैं। सो ये तो था हमारा डैशबोर्ड था बेसिकली, ठीक है, सिंपल सा। और ये पोस्टवेयर का ऑप्शन है, अगर आप लोगों ने तो ब्लॉग्स आर्टिकल पोस्ट करेंगे वो आप इसमें सब देख पाएंगे, लगाने कैसे हैं और ये पोस्ट होती क्या हैं, कैसे ऐड की जाती हैं, इनके फ़वाद वगैरह, इनके यूजेज, ये सब हम लोग एक स्पेसिफिक वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और उसी के साथ मीडिया को भी देखेंगे इंशाल्लाह। एंड देन ये पेजेस का ऑप्शन है, ठीक है ना, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था वेबसाइट इज नथिंग, ठीक है ना। तो वेबसाइट जो है कम्बिनेशन होता है वेब पेजेस का, वेबसाइट खुद में कुछ भी नहीं होती। उसके बाद एक कमेंट्स का ऑप्शन है, जो आप लोगों के आर्टिकल ब्लॉग या पोस्ट के ऊपर जो लोग कमेंट करेंगे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अपीयरेंस से जाकर आप लोग थीम चेंज कर सकते हैं, अपने कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं, प्लगइन से जाकर प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लगइन्स क्या है इसके ऊपर भी स्पेसिफिक वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। देन यूजर्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों की वेबसाइट में यूजर्स होते हैं, कुछ जो है एज एडमिन होंगे, ठीक है, तो आप लोग की कंप्लीट वेबसाइट को कंट्रोल कर पाएंगे। कुछ एडिटर होंगे जो कि आपकी वेबसाइट में जो है एडिटिंग्स वगैरह कर पाएंगे, इनके कंटेंट वगैरह चेंज करना। कुछ ऑथर्स होंगे जो पोस्ट ऐड कर पाएंगे, कुछ सब्सक्राइबर्स होंगे, ठीक हो गया, कुछ विजिटर्स एज ए विजिटर रजिस्टर होंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो आएगी और आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊँगा कि किस यूज़र का क्या काम है। इसी तरह एक टूल्स का एक ऑप्शन है, ठीक है, इसके अंदर जो है आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज़ करके पेजेस या पोस्ट या मीडिया वगैरह या यूजर्स को एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जो है मूव करवा सकते हैं। ओके, देन ये तो प्लगइन्स की वजह से है, इसे इग्नोर कर दें। देन उसके बाद इस सेटिंग्स का ऑप्शन है, ठीक है ना, इससे जाकर आप लोग अपनी वेबसाइट का नेम, आप लोगों का होम पेज कौन सा होने वाला है, ठीक है, आप लोगों की लिंक स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, ये तमाम चीज़ें आप लोग सेटिंग से जाकर कर सकते हैं। और ये मैं आप लोगों को ये तमाम चीज़ें इन डिटेल वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। सो ये था हमारा बेसिकली वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जिसे आज हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट जो है अब हम लोग देखने वाले हैं वर्डप्रेस थीम्स क्या हैं, ठीक है, हम लोग इन्हें कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, पेरेंट्स इनकी कैसे चेंज होगी हमारी वेबसाइट की, देन प्लगइन्स पर आएंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों के तमाम जो डाउट्स होंगे, जो यानी कि क्वेश्चन बन सकते हैं डैशबोर्ड के रिलेटेड, वो क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनसे पूछ सकते हैं। सो एवरीवन, आई होप आप लोगों को जो है अब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में तमाम चीज़ों का पता चल गया होगा। अगर स्टिल आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चले मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।